वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। नाज़रीन आदाब, उर्दू नामा की आज की नशिश इस शेर की खालिक परवीन शाकिर के नाम मुनक़िद की जा रही है। परवीन शाकिर उर्दू की एक मुमताज़ और मुनफरिद लब लहजे की शायरा थी। बहुत ही कम अरसे में उन्हें वो शोहरत हासिल हुई जो बहुत कम लोगों को हासिल हो पाती है। उन्होंने औरत के एहसासात और जज्बाती मुतालबात की लतीफ़ तर्जुमानी की है। उनकी शायरी रिवायती इश्किया शायरी नहीं, जज्बा व एहसास की शिद्दत और उसका सादा लेकिन फ़नकाराना बयान परवीन शाकिर की शायरी का नुमाया वस्फ है। बकौल गोपी चंद नारंग, नई शायरी का मंजरनामा परवीन शाकिर के दस्तखत के बग़ैर नामुकम्मल है। शायरी में उन्हें अहमद नदीम कासमी की सरपरस्ती हासिल रही। परवीन शाकिर का बेशतर कलाम अहमद नदीम कासमी के रसाले फ़नून में भी शाये होता रहा। अली सरदार जाफरी ने अपने रसाले गुफ्तगू के एक शुमारे में परवीन शाकिर की शायरी पर अहमद नदीम कासमी के ख्यालात को दर्ज किया है। न वो अपने आप को फरेब देती है और न अपने कारी से कुछ छुपाती है। उसने मोहब्बत के जज्बे की हैरत अंगेज़ तहजीब की है। परवीन ने इस पामाल मौजू को रिफत बख्शी है और उसकी क़दामत को जिद्दत में बदल दिया है। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई थी। उनका आबाई वतन बिहार के ज़िला दरभंगा में लहरिया सराय के मकाम पर था। उनके वालिद शाकिर हुसैन साकिब, जो ख़ुद भी शायर थे, क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हो गए थे। परवीन कम उम्री से ही शायरी करने लगी थी और उसमें उनको अपने वालिद की हौसला अफज़ाई हासिल थी। परवीन ने मैट्रिक का इम्तहान रिजविया गर्ल्स स्कूल कराची से और बीए सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से किया था। 1972 में उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में कराची यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की और फिर लसानियात में भी एमए पास किया। और तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में बतौर टीचर मुलाजिम हो गईं। 1976 ईस्वी में उनकी शादी जो है अपने ही खालाजाद भाई नसीर अली से हुई, जो मिलिट्री में एक डॉक्टर थे। ये शादी हालांकि परवीन की पसंद से हुई थी लेकिन कामयाब नहीं रही और तलाक पर इसका खात्मा हुआ। डॉक्टर नसीर से उनका एक बेटा है। कॉलेज में 9 साल तक पढ़ाने के बाद परवीन ने पाकिस्तान सिविल सर्विस का इम्तहान पास किया था और उन्हें 1982 में सेकंड सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर किया गया। बाद में उन्होंने इस्लामाबाद में डिप्टी कलेक्टर के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। महज 25 साल की उम्र में उनका पहला मजमूए कलाम खुशबू मंजर आम पर आया तो अदबी हलकों में जैसे धूम मच गई। उन्हें इस मजमूए पर आदम जी अवार्ड से नवाजा गया। परवीन की शख्सियत में बला की खुद अतमाती थी, जो उनकी शायरी में भी झलकती है। उसी के सहारे उन्होंने ज़िंदगी में हर तरह के मुश्किलात का सामना किया। 18 साल के अरसे में उनके 4 मजमूए खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार शाये हुए। उनकी कुल्लियात माह तमाम 1994 में मंजर आम पर आई। उन्हें कई इनामात और एजाजात से भी नवाजा गया। 1985 ईस्वी में उन्हें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड और 1986 में USIS अवार्ड हासिल हुआ। इसके अलावा उनको फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड और पाकिस्तान का बावक़ार अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। परवीन शाकिर की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात और एहसासात का इजहार है, जो दर्द का कायनात बन जाता है। इसीलिए उन्हें दौरे जदीद की शायरात में नुमाया मुकाम हासिल है। हालांकि वो ये भी एतराफ़ करती हैं कि वो अपने हम असरों में किश्वर नाहिद, परवीन फना सैयद, फहमीदा रियाज को पसंद करती हैं, लेकिन उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है वो उसकी हम असर दूसरी शायरात के यहाँ नज़र नहीं आती है। उनकी शायरी में कौस कज़ा के सातों रंग नज़र आते हैं। उनके पहले मजमूए खुशबू में वो एक नौजवान दुशीज़ा के शोख जज्बात का इजहार है, जो उस वक्त परवीन शाकिर उसी मंजिल में थी। ज़िंदगी के संगलाख रास्तों का एहसास तो बाद में हुआ, जिसका इजहार उनके बाद की शायरी में जगह जगह मिलता है। माँ के जज्बात, शोहर से नाचाकी और अलहदगी, वर्किंग वुमन के मसाइल, इन सभी को उन्होंने बहुत खूबसूरती से कलमबंद किया है। रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। परवीन शाकिर अपने मुनफरिद लब व लहजे और औरतों के जज्बाती और नफसियाती मसाइल पेश करने के बायस उर्दू शायरी को एक नई जहत देती नज़र आती हैं। चलने का हौसला नहीं, रुकना महाल कर दिया, इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। परवीन शाकिर अपने
اشعار میں بے باک لہجہ استعمال کرتی ہیں، وہ انتہائی جرأت کے ساتھ جبر و تشدد کے خلاف احتجاج کرتی نظر آتی ہیں، وہ اپنے جذبات خیالات پر شرم و حیا کے پردے نہیں ڈالتی ہیں، ان کے موضوعات محدود ہیں، اس کے باوجود ان کی شاعری میں نغمگی، تجربات کی صداقت اور خوشگوار تازگی نظر آتی ہے۔ چلتے چلتے ان کی ایک غزل ملاحظہ ہو، دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا، قبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا کرن کا پیار مجھے آفتاب کر دے گا، جنوں پسند ہے دل اور تجھ کو آنے تک، بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا، انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا، سکوت شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ سماعتوں کی فضا خواب خواب کر دے گا، اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پہم سخن وری میں مجھے انتخاب کر دے گا، میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یاد کے نام انتساب کر دے گا۔ محض 42 سال کی عمر میں 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں ایک کار حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اسلام آباد ہی کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئیں۔ ان کی لوح مزار پر انہی کی اشعار کندہ ہیں، یارب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ لبکشائی دے، شہر سخن سے روح کو وہ آشنائی دے، آنکھیں بھی بند رکھوں تو رستہ سجھائی دے۔ ناظرین، آج کے اردو نامہ میں فی الحال اتنا ہی، آئندہ پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آداب۔